ने झलक दिखलाता के सेट पर कही इमोशनल बात। वेल, इमोशनल होती हुई नजर आई है रूबीना दिलैक। वेल, क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू आवर चैनल। वेल, रूबीना की अगर बात करें तो हाल फिलहाल अब झलक दिखलाता सीजन 10 में रूबीना दिलैक नजर आने वाली हैं। कई सारे प्रोमोस सामने आए और सभी प्रोमोस को फैंस ने काफी ज्यादा प्यार दिया। लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जहां झलक दिखलाता के सेट पर रूबीना दिलैक एक इमोशनल बात कहती हुई नजर आई है। वेल, क्या कुछ रूबीना ने कहा है। तो दरअसल रूबीना दिलैक जो कि अपनी डांसिंग स्किल्स बताने वाली हैं और कहीं ना कहीं फैंस भी सुपर डुपर एक्साइटेड है रूबीना की परफॉर्मेंस के लिए। वही मैं आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस के बाद में रूबीना दिलैक ने कहा कि सपने देखना चाहिए और कौन कहता है कि सपने पूरे नहीं होते। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल जो है मैं हूँ, मैंने सपने देखे और उन्हें पूरा किया और आज इस मुकाम पर खड़ी हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी इंस्पायरिंग स्टोरी जो है वो रूबीना शेयर करती हुई नजर आई है। रूबीना ने साथ ही ये भी कहा है कि आप सपने देख रहे हो तो आप उसको जियो और उसे जीने के लिए आपने मेहनत करनी है और सिर्फ मेहनत करनी है। वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लेकर आती है और आज जो उन्होंने मेहनत की है वो कहीं ना कहीं रंग लेकर आई है। भाई, मैं आपको बता दूं कि रूबीना हाल फिलहाल बैक टू बैक रियलिटी शोज में नजर आ रही हैं, जहां पर वो बिग बॉस 14 में नजर आई, उसके बाद खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आ रही हैं। वहीं अब झलक दिखलाता सीजन 10 में भी रूबीना नजर आ रही हैं। तो वेल, फैंस आर सुपर डुपर एक्साइटेड रूबीना की परफॉर्मेंस के लिए। आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।